Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me, Neel Mani Sen. Last week हमने देखा कि सभी commodities में हमें एक अच्छा खासा selling pressure देखने को मिला, जबकि natural gas में हमें एक fresh breakout होते हुए भी नजर आया। तो इस selling pressure के पीछे के कई reasons थे, but main reasons की यदि बात करें तो बेंचमार्क यूएस ट्रेजरी यील्ड जो कि 16 सालों की ऊंचाई पर चल रही है, जिससे कि यूएस के डॉलर इंडेक्स में भी हमें एक अच्छे मजबूती ही देखने को मिल रही है, और जिसका रिफ्लेक्शन हमें प्रीसियस मेटल्स के प्राइसेस में देखने को मिला है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर के रूप में नजर आ रहा है। लास्ट वीक यूएस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा उम्मीद से काफी बेहतर आया, जिससे कि ये इंडिकेशन मिलता है कि यूएस का जॉब मार्केट काफी स्ट्रांग है, और इसका रिफ्लेक्शन हमें आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते के लिए आईएमएफ की मीटिंग्स, एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स और यूएस इन्फ्लेशन के डेटा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो इस हफ्ते के लिए गोल्ड और सिल्वर में हमें साइडवेज टू रेंज बाउंड का सेशन देखने को मिल सकता है। प्रीसियस मेटल्स में सपोर्ट्स यदि देखें तो गोल्ड में सपोर्ट 55,400 पर है, वही मेजर रेजिस्टेंस 58,300 पर बना हुआ है। इस हफ्ते के लिए सिल्वर में सपोर्ट 65,400 पर है, वही मेजर रेजिस्टेंस 71,400 पर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेडविंग्स और रसिया द्वारा डीजल एक्सपोर्ट पर पार्शियल कट को लिफ्ट करने के बाद हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी एक प्रेशर देखने को मिला है, जो कि इस हफ्ते भी जारी रहने की संभावना बनी हुई है। तो क्रूड ऑयल में हमें किसी भी उछाल पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख करके काम किया जा सकता है। फॉर दिस वीक क्रूड ऑयल में सपोर्ट 6600 पर है, वहीं मेजर रेजिस्टेंस 7300 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो कूलर वेदर ट्रेंड नेचुरल गैस की डिमांड को सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि हमें इस हफ्ते नेचुरल गैस में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है, और प्राइजेस 270 के आसपास पहुंच चुके हैं। अब इस हफ्ते के लिए यदि बात करें तो नेचुरल गैस में बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ काम किया जा सकता है, जहां पर मेजर सपोर्ट 235 पर है और मेजर रेजिस्टेंस 290 पर बना हुआ। चाइना में डिमांड कंसर्न के चलते इस हफ्ते भी हमें बेस मेटल के प्राइसेस में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। हालांकि चाइना की तरफ से जारी होने वाले इस हफ्ते इन्फ्लेशन नंबर काफी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बेस मेटल्स के लिए, जो कि एक न्यू डायरेक्शन बेस मेटल्स को दे सकते हैं। बेस मेटल्स में इस हफ्ते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में सपोर्ट 688 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 717 पर बना हुआ है। जिंक के सपोर्ट की बात करें तो 216 के आसपास जिंक में सपोर्ट है, वहीं 230 पर मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। एल्यूमिनियम में सपोर्ट 203 के आसपास है, वहीं मेजर रेजिस्टेंस 210 पर अभी भी बना हुआ है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। द कंटेंट प्रोवाइडेड इन द वीडियो इज फॉर इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और इम्प्लाई अ रिकमेंडेशन टू एंगेज इन एनी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। वी डू नॉट प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एडवाइस और डिटरमाइन सूटेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल नीड्स। प्लीज कंडक्ट योर ओन एनालिसिस एंड कंसिडर योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।